प्रदूषण तो अलग अलग माध्यम से लेते रहते हैं, तो हमें भी अपने ये स्टोरी तो हमारी चल ही रही है और शायद ये पूरी भी हो जाएगी। अभी कोशिश करूंगी मैं इसको पूरी कर दूं। और आप लोगों के लिए एक विषय, अभी इतने दिन से आप अहिंसा धर्म के विषय में सुन रहे हैं, तो आपको अहिंसा धर्म में अहिंसा करना पालन करना अच्छा है कि हिंसा को धारण करना अच्छा है? हिंसा और अहिंसा, तो आपको केवल अहिंसा धर्म के ऊपर बोलना है कि हमारे जीवन में अहिंसा का क्या महत्व है। उस लेख का जो हेडिंग रहेगा, टॉपिक रहेगा, आपको अहिंसा धर्म के ऊपर बोलने का अवसर दिया जाएगा। 2 मिनट का आप एक पेज 2 पेज तैयार कीजिए और अच्छे कम शब्दों में और कम समय में अपनी पूरी बात रखिए। जो भी बोलना चाहे आप लोग अपना अपना नाम मयूरी सेट्टी के पास में कल शाम तक 5 बजे तक पहुंचा देना। चाहे हमारे पास में 2 नाम आए, 4 नाम आए, जितने लोगों के नाम आएंगे उनको बोलने का अवसर दिया जाएगा, और जो बाद में नहीं बोल पाएंगे उनको फिर जितना समय बचा उसमें अपना विषय क्लास का चल जाएगा। तो हमारी स्टोरी चल रही थी, आप लोग को सबको पता है ना, जहां तक हमारी कथा चली रह चुकी है, अभी हो गई है ये धन कीर्ति का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात महाबल की मृत्यु हो गई, महाबल की मृत्यु भी हो गई, और इधर जो श्रीदत्त सेठ थे, सेठ और सेठानी दोनों ने कल जहर के लड्डू भी ग्रहण कर लिए। जहर के लड्डू खा करके दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। स्वयं सेठने को तो पता नहीं था कि सेठानी ने क्या किया, लेकिन सेठानी को सब कुछ मालूम था, इसलिए सेठानी ने कुछ नहीं बताया और उसने भी सफेद लड्डू को ग्रहण कर लिया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दूसरों को भी मारा और स्वयं भी मर गई। दूसरे की जगह खुद का पति ही मारा गया। ऐसी उस सेठानी ने अपने प्राणों का त्याग किया। और जो स्वयं अपनी आत्महिंसा करते हैं, स्वयं की हत्या करते हैं, आत्मघात करते हैं, उस जीव की सदगति नहीं होती, उसको दुर्गति में जाना पड़ता है। तो ऐसी सेठानी जो स्वयं अपनी हो सकती, जीवित रह करके वो प्रायश्चित कर सकती थी, पश्चाताप कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया कि जिंदा रह करके मैं पश्चाताप कर लूं, गुरु से जाकर के प्रायश्चित ले लूं। पाप हो जाता है, जाने अनजाने में व्यक्ति पाप कर बैठता है, लेकिन अगर पाप किया है तो उस पाप का भी प्रायश्चित हो सकता है। हमारे यहाँ हर पाप के लिए प्रायश्चित का विधान आया है। छोटी गलती हो, बड़ी गलती हो, कितना भी बड़ा अपराध हो, महा अपराध हो, छोटा बड़ा जितना भी अपराध होता है, तो हर दिन उसका प्रायश्चित करना ही चाहिए। इसलिए अभी हर दिन अपन आरती के पश्चात जितने जीव मीटिंग पर जुड़े रहते हैं या पर जहां जहां गुरुदेव चातुर्मास करते हैं, तो हम प्रतिक्रमण और प्रायश्चित दिलाते हैं कि आपने जो दिन भर में पाप किया है, जितने भी आपके द्वारा अपराध हुए हैं, जो आपकी गलती हुई है। और जब व्यक्ति स्वयं गलती करता है, प्रायश्चित तुरंत नहीं करता है, तब तक उसकी आत्मा स्वयं को अंदर ही अंदर कसोचती है कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने जो अपराध किया है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहर से हम चाहे झूठ बोले, मायाचारी का चोला ओढ़ ले, कितना ही बनावटीपना दिखाए, लेकिन हमारी आत्मा हमें अपने आप को माफ नहीं करती। स्वयं का मन हमें दुखी करता है, अपनी आत्मा में परेशान करती रहती है, बार बार उसी और गलती की ओर हमारा ध्यान जाता है कि मैंने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी आत्मा हमें बार बार प्रेरित करती है। हाँ, अपने आप प्रसन्नता होती है अंदर से, और जो प्रसन्नता होती है अंदर से तो बाहर अपने चेहरे पर अपने आप दिख जाती है। प्रसन्नता व्यक्ति की अपने आप बाहर दिखेगी, चेहरे पर दिखेगी। अगर पाप किया है, अपराध किया है, तो वह भी चेहरे पर दिखाई देगा। छुपाने की कोशिश भी करेंगे तो भी जो खुशी इंसान को अच्छे कार्य करने पर मिलती है, वो बुरे कार्य करने पर कभी खुशी मिल ही नहीं सकती। कितना भी बुरा छोटा कार्य हो, चाहे बड़ा कार्य हो, लेकिन खुशी कब मिलेगी, प्रसन्नता कब मिलेगी? जब हम अच्छा काम करेंगे। और जब बुरा काम करेंगे तो व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। तो वही हाल सेठानी का हुआ। सेठानी अपने ही दामाद को मारने चली थी, अपनी बेटी को विधवा बनाने चली थी, इसलिए उसने जो किया उसे किसी को बताया नहीं, स्वयं अपने पति को भी नहीं बताया कि आज मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, या लड्डू बनाऊंगी उसमें कुछ डालकर जाऊंगी। स्वयं उसके सेठ ने कभी नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब वो हार चुका बार 4 बार,
तब उसकी सेठानी को बताया कि मैं 4 बार प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन यह युवक बार बार बच जाता है, बच्चा था तब भी बच गया। तो उस समय सेठानी ने अपने हाथ में काम लिया, और सेठानी ने भी लिया तो उसने अपने पति को नहीं बताया। नहीं बताने के कारण, क्योंकि गलती करने वाला अपनी गलती को भी नहीं बताएगा, अपने अपराध को छिपाएगा, और छिपाने के कारण स्वयं भी मर गई और अपने पति को भी जहर के लड्डू खिलाने खाने कारण वो उसका पति भी मारा गया। तो पति मर गया, सेठानी मर गई, अब उसका पुत्र पहले ही खत्म हो चुका था, पूरा एक तरह से खानदान ही खत्म हो गया। उन दोनों के मरने के पश्चात नगर सेठ के पद पर प्रतिष्ठित हुआ धनकीर्ति। सगर सबके जितने नगरवासी थे सब आए, और उस युवक की सुंदरता, उसकी सूझबूझ, उसकी बुद्धिमानी, उसकी प्रतिभा देख करके उन सभी लोगों ने कहा, वैश्य व्यापारी ने कहा कि ये आप दामाद जी भी है और इस घर का बेटा भी है, अब इनके आगे पीछे कोई रहा नहीं, इसलिए अब यही घर का मालिक है। तो हम आप सब आपको सारे उज्जैन निवासियों ने उस जन कीर्ति को श्री दत्त सेठ के पद पर नियुक्त कर दिया कि अब आज से आप हमारे नगर सेठ, आपकी कही हुई बातें हम स्वीकार करेंगे, आप हमारे नगर सेठ हैं, इस पद को आप स्वीकार करें। और नगर सेठ बनने के पश्चात उसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, जो श्री दत्त सेठ ने किए उस धनकीर्ति ने सारे कार्य किए, और धनकीर्ति ने जैसा नाम था वैसी अपनी कीर्ति फैलाई। जो लोग दुखी थे, जिनके पास धन की कमी थी, उनको धन दिया, उनका व्यापार चलाया, उनको व्यापार में लगाया, उनको किस प्रकार के सुखी संपन्न करना है, क्योंकि वो व्यापारियों का मुखिया था, व्यापारियों का मुखिया था, वैश्य जाति में था, जो सिद्धार्थ सेठ था वो वैश्य था, व्यापारी था, इसलिए वो वहां धन घी खरीदने गया था। तो एक तरह से जितने आसपास के जो जो उसके अंडर में थे, उन सबका उसने व्यवसाय बढ़ाया, उनको व्यापार में लगाया, जिस व्यक्ति को जिसकी जरूरत थी उसको उस काम में लगाया। और जब लोगों को काम मिला, उनका व्यापार बढ़ा, तो उसकी चर्चा, क्योंकि अच्छा कार्य होता है तो भी वह जल्दी प्रसारित हो जाता है, और कोई व्यक्ति बुरा काम भी करता है तो बुरा काम भी तुरंत फैल जाता है। अच्छे काम को फैलने में समय लग सकता है, बुराई को फैलने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत वायरल हो जाती है। जैसे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कुछ आ जाए, तुरंत देखो 5 मिनट में तो हजारों लाखों लोगों के पास में वो मैसेज पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार बुराई फैलने में समय नहीं लगता, अच्छाई को फैलाने में तो समय लगता है। हमको बार बार बोलना पड़ता है कि आपको ये करना है, आपको अभिषेक के लिए आना है, आपको समय पे 7 बजे जुड़ना है, 7 बजे जुड़ना है, 7:30 बजते तब भी नहीं जुड़ पाते हैं, आपको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठना है तो भी नहीं उठ पाते। ये अच्छा काम है, लेकिन अगर बुरा काम हो, किसी का बुरा काम हो, कहीं पे कुछ बुरे काम में जाना हो, तो तुरंत उठ जाएंगे। जैसे आपके यहाँ कोई व्यापार करने के लिए आपके यहाँ कोई सामान खरीदने आ रहा है, रात को 2 बजे 3 बजे भी अगर आएगा तो आप जागते रहेंगे, और जाग करके पहले अपना व्यापार करेंगे। व्यापार करना अच्छा काम बुरा काम वो नहीं, मतलब 2 नंबर का धंधा है कि 10 नंबर का धंधा, वो तो हम नहीं जानते। लेकिन आज जितना काला काम होता है अंधेरी रात में होता है, तो अच्छाई और बुराई में यही अंतर होता है। व्यापार व्यक्ति करता तो दिन के उजाले में करता है, और रात को जो काम कर रहा है तो रात भर सोया नहीं, दिन भर भी सोता नहीं, रात को भी जागता है। लेकिन अगर धर्म काम के लिए जगा हो, आपको रात्रि जागरण करना है, आपको बोल दो कि 24 घंटा हमारे घर में नमोकार मंत्र का पाठ रखा है, आपको जागना पड़ेगा, अरे बापरे, इतना सुनते अरे बापरे मुंह से निकल जाता है। 365 दिन में अगर किसी के घर में एक दिन का अखंड पाठ रख दिया जाए, एक दिन साल के 365 दिन में एक दिन अगर किसी के घर रख दे कि आपको आज अखंड नमोकार मंत्र का पाठ करना है और रात को आपको जागना है, फिर देखो नानी दादी 2-4 पीढ़ी याद आ जाएगी कि अरे बापरे इतनी रात हम कैसे जाएंगे। और वही अपना काम हो, पिक्चर देखनी हो, कोई नई पिक्चर आई हो, 9 से 12 देखने जाना हो तो वहां जाग जाएंगे। लेकिन हमारे पास 10 मिनट जाग करके हम नमोकार मंत्र का पाठ नहीं कर सकते। तो ये अच्छाई और बुराई में, क्योंकि जीव के संस्कार बुरे तरफ हैं, कर्म जो हमें बुराई की ओर ज्यादा ले जाते हैं। अच्छी चीज को करने के लिए हमें बार बार पुरुषार्थ करना पड़ता है। रात भर आपको पक्तामर के पाठ के लिए बैठा दो, और तो क्या है, जूम मीटिंग पर जुड़ते हैं, 2 मिनट बीच में अगर किसी कार्यक्रम की सूचना देते हैं, इतने में लोग निकल जाते हैं, उसमें सुनने का समय नहीं मिलता है, हमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है।
टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये नहीं सोच रहे कि ये टाइम ही हमारे लिए पुण्य बंद करा रहा है, बाकी तो हम 22 घंटे अभी सुबह का एक घंटा मान लो, शाम को एक घंटा मान लो, 24 घंटे में आपके 2 घंटे धर्म ध्यान के साथ जा रहे हैं, धर्म में बीत रहे हैं, शुभ योग में जा रहे हैं, लेकिन बाकी 22 घंटे में आप पाप के अलावा कर क्या रहे हैं। हम नींद में सोते हैं तो भी हम नींद में सोते सोते भी स्वप्न लोक में कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, कौन सा अपराध करके आ जाते हैं। तो स्वप्न में व्यक्ति जो कुछ नहीं हुआ होगा, जो नहीं देखा होगा, वो देख कर आ जाएगा। तो सपने में नींद में भी व्यक्ति कर्मों का बंध करता है। पुण्य का बंध तो आपको 2 घंटे ही मिल रहा है, उसमें भी हमको इतनी आकुलता हो जाती है कि जल्दी जल्दी गुरुदेव पूरा करे और हम जूम मीटिंग से जल्दी निकल जाए। तो ये हमें अच्छा काम करने के लिए बार बार पुरुषार्थ करना पड़ता है, बार बार अपने आप को प्रेरित करना पड़ता है, बार बार सुख उपयोग को लगना पड़ता है। तो उस प्रकार धन कीर्ति जो नाम मिला था उसको धन कीर्ति, उसने अपनी कीर्ति फैला ली, सब लोगों की मदद करके, सेवा करके, धन दे करके, व्यापार में बढ़ा करके, वो सब लोगों का लाडला बन गया, चहेता बन गया। जैसा उसको पद मिला था उस पद की योग्य उसने तुरंत ऐसा कार्य किया कि उसकी कीर्ति राजा तक पहुंच गई। राजा विशंबर जो कि उज्जैन के उस समय राजा थे, और उनके पास जैसी उसके समाचार मिले कि एक जो हमारे श्री दत्त सेठ थे वो स्वर्गवासी हो गए, और उनका एक दामाद उनकी इकलौती पुत्री थी और उसका विवाह हुआ, वह युवक बड़ा ही योग्य है, गुणवान है, बुद्धिमान है, ऐसे युवक की प्रशंसा सुनकर राजा से नहीं रह गया। राजा ने स्वयं उस धनकीर्ति को बुलाया और उससे मिलकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने सोचा कि इस युवक को, इस धनकीर्ति को मैं क्या दे सकता हूँ, जो कि जो नगर सेठ थे वो नगर सेठ भी हमारे ही राज सेठी पद पर प्रतिष्ठित थे, स्वयं मेरे द्वारा बिठाए गए थे, और अब उनका दामाद नगर सेठ बना है, तो वह भी मेरे लिए उसी पद पर प्रतिष्ठित है, परंतु इस युवक को और आगे बढ़ाने का अवसर देना चाहिए, यह बहुत बुद्धिमान है, बहुत योग्य है। मंत्रियों से उसने मंत्रणा की, और मंत्रणा करके उस युवक को मंत्रियों ने कहा कि महाराज आप इसको कुछ देना ही चाहते हैं, तो सारे नगरवासियों ने तो नगर सेठ का पद दे ही दिया है, अब हमारा विचार बनता है कि आपकी जो एक ही पुत्री है, आप अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ में कर दीजिए, जिससे ये आपका दामाद बन जाएगा और आपका राज्य को भी संभालेगा और आपकी कीर्ति फैल जाएगी। राजा को उसकी बात अच्छी लगी, मंत्रियों की मंत्रणा अच्छी लगी, और राजा ने योग्य मुहूर्त समय निकालकर और धन कीर्ति के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब राजकुमारी जो थी वो भी उसकी पत्नी बन गई, और सिद्धार्थ सेठ की पुत्री थी वह भी उसकी पत्नी बन गई। तो इस प्रकार धन कीर्ति का 2 कन्याओं के साथ में वह मंगल हो गया, दोनों के साथ में सुखपूर्वक वह समय बिता रहा था, और उसके माता पिता स्वयं भी वहां पर आ चुके थे। माता पिता और माँ के मन में यही शंका थी कि मेरे पुत्र को जन्म देते ही मेरे पुत्र को अभियोग मुझे सहन करना पड़ा, मेरे पुत्र को मैं ना प्रेम वात्सल्य नहीं दे पाई, इसके ऊपर इसके पिता का इतने वर्षों तक साया नहीं रहा, लेकिन अच्छा है कि सुबह उस वाले के यहाँ पर इसका पालन पोषण हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे से भैया उन्होंने बहुत अच्छा पालन पोषण किया है। उन दोनों को भी वहां पे बुलाया, उज्जैन नगर में उनको एक अच्छा महल दे दिया, क्योंकि अब स्वयं वो राज धन कीर्ति जो था राज जमाई बन गया है, उसको सारी व्यवस्था राजा ने दे दी, अच्छे पद पर वहां पर उसे प्रतिष्ठित किया गया, और राज्य का संचालन वह संभालने लगा अपने ससुर के साथ में। तो अपने पिता को, दोनों पिता जो जन्म देने वाले माता पिता थे वो भी वहां पहुंच गए, और जिन्होंने पालन पोषण किया था वो भी पहुंच गए, परंतु जिन्होंने बीच में उसे लिया था जो सिद्धार्थ सेठ के दामाद थे, उन्हें तो कोई लेकर नहीं आ पाया। इन्होंने उसने सबका उपकार कहना, और जब ये सब आ गए, सब आनंद के साथ समय बिता रहे थे, तब एक दिन एक वन माली ने आकर कहा कि हमारे उद्यान में एक मुनिराज का आगमन हुआ है, और मुनिराज के पास सब दर्शनार्थ गए, तब यह धनकीर्ति भी अपने परिवार के साथ, अपने ससुर के साथ, राज वैभव के साथ में
सब नगर वासियों के साथ मुनिराज के चरणारविंद में उनके वंदना करने के लिए अष्टद्रव्य की थाली आदि लेकर के वो सब वहां पहुंचे। देखिए आप लोग थोड़ा सा आवाज कम कीजिए, आप लोग की आवाज हमारी इधर आती है। तो धन कीर्ति मुनिराज के दर्शन के लिए पहुंचा और वहां जाकर उन्होंने मुनिवर की 3 परिक्रमा लगाई, अष्टद्रव्य से पूजा की। हम जब भी मुनियों के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और कुछ ना कुछ सामग्री हाथ में लेकर ही जाना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास आपके सूतक पातक चल रहा है, सूतक पातक है, वृद्धि आदि है, उस समय अगर आप गए भी दूर से दर्शन कीजिए, फिर उसमें सामग्री वगैरह नहीं चढ़ाना। लेकिन अगर आप ऐसे ही गए हैं तो हमें कुछ ना कुछ सामग्री लेकर ही जाना चाहिए। इस प्रकार वह धन कीर्ति भी सामग्री लेकर के गया और मुनिवर की पूजन की, उनका उपदेश सुना। उपदेश सुनकर मुनिराज के चरणों में बैठकर मुनिराज से, क्योंकि मुनिराज जो थे 4 ज्ञान के धारी थे, 1 ज्ञान नहीं 4 ज्ञान। हमारे पास में कितने ज्ञान है, आप सबके पास में और मेरे पास में, हमारे सबके पास में अभी 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री जीव तक 2 ज्ञान तो होते ही होते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, जल हो, अग्नि हो, वायु, वनस्पति हो, ऐसे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, जितने भी प्राणी होते हैं सबके पास में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो होता ही है। बस उसका शोपसम कम ज्यादा हो सकता है, जिस जिसका जैसा शोपसम होगा वैसे उसका ज्ञान का वर्धन माना जाता है। 1 इंद्री जीव के पास हमारे जितना ज्ञान नहीं है, तो हर व्यक्ति का ज्ञान अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने हिसाब से मिलता है। लेकिन जो मुनिराज थे वो मुनिराज के पास 4 ज्ञान थे, मंत्र ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान। अवधि ज्ञान से पूर्व भव जान लेते हैं और मनापर्याय ज्ञान की विशेषता होती है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या बात चल रही है, वो मेरे विषय में क्या सोच रहा है, वो क्या पूछना चाहता है, क्या जानना चाहता है। मनापर्याय ज्ञान का मतलब ही है कि मन में कितनी भी जटिल बात आपके मन में बैठी हुई हो, आपके मन में छल कपट चल रहा है, मायाचारी चल रही है, आप किस भाव से मुनिराज के पास बैठे हैं, क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, तो सब मनापर्याय ज्ञानी मुनिराज जान लेते हैं। मनुष्य के पास में मनापर्याय ज्ञान नहीं हो सकता, मनापर्याय ज्ञान मुनियों के पास ही होगा। अवधि ज्ञान तक तो मनुष्य और देव नारकी के पास हो सकता है, लेकिन चौथा ज्ञान जो होगा तो वह चौथा ज्ञान किसके पास होगा, मुनिराज के पास में। वो भी त्याग, तपस्या, संयम, साधना, व्रत, उपवास आदि जो कठिन कठिन साधना करते हैं, ऐसे मुनियों के पास में मनापर्याय ज्ञान प्रकट होता है। तो मन ऐसे 4 ज्ञान के धारी मुनिराज थे, उनको सब समझ में आ गया कि ये सब आए हैं, इन्होंने उपदेश सुना, उपदेश सुनने के बाद अब ये कुछ पूछना चाहते हैं। उसके पिता थे धन कीर्ति के, जो जन्मदाता थे, जो प्रथम पिता, उनका नाम था गुणपाल और उसकी माँ थी धनश्री। क्या नाम था, गुणपाल नाम था उसके पिता जन्म देने वाले, जो कि जन्म के पूर्व ही वहां से जा चुके थे सेठानी को अपने मित्र के यहाँ छोड़कर। और धन कीर्ति की जो माँ थी उसका नाम था धनश्री। तो माता पिता वहीं बैठे थे, उन माता पिता ने मुनिवर को नमस्कार करके पूछा कि हे भगवान, मेरे पुत्र को जन्म देते ही हमसे अलग क्यों होना पड़ा और मेरे पुत्र को इतने संकटों का सामना क्यों करना पड़ा। वैसे तो इसको कोई संकट, इसलिए क्या पता है मेरे को संकट आए, लेकिन माता पिता ने उस बच्चे को देखा ही नहीं, जन्म देने वाली माँ ने नहीं देखा, पिता को तो पता भी नहीं, बस उसको जितना मालूम था उसने बताया। तो माँ और पिता ने यही पूछा कि इस पुत्र को इतना संकटों का सामना क्यों करना पड़ा, और बार बार इंद्र सेठ ने, श्री दत्त सेठ ने इसको मारने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी इसके प्राणों की रक्षा क्यों हुई, और जिस वेश्या ने इसके पत्र को बदल दिया वो कौन थी जो बाद में इसके प्राणों की रक्षा करने के लिए आ गई। सब लोग वहां बैठे हुए थे, आप सभी जानना चाहते हैं। अभी थोड़ा सा बता देती हूँ, समय है, आज हम इस स्टोरी को पूरा करेंगे। अभी गुरुदेव चर्चा कर रहे हैं, तो जब मुनिराज से इस प्रकार पूछा तो मुनिराज ने कहा कि ये इस धन कीर्ति ने पूर्व भव में
एक मुनिराज से, उनका नाम था विनय गुप्त मुनिराज, तो उन मुनिराज से इसने नियम लिया था। और नियम क्या लिया था आप सबको पता है ना, ये एक मछुआरे की पर्याय में था और मछलियां पकड़ता था, मछली पकड़ने जा रहा था, इसी नगर के का ये पहले मछुआरा था और मछलियां पकड़ने का इसका काम था। एक दिन मुनिराज से इसने नियम लिया कि जो पहली बार मछली इसके कांटे में फंसेगी उसको यह नहीं मारेगा, वापस जल में छोड़ देगा, ऐसा नियम था। और ऐसा नियम पालन करने के लिए इसने मछली को पहचान के लिए इसने मछली के उसमें कपड़े की चिंदी बांध दी और इसकी परीक्षा लेने के लिए 5 बार वही मछली इसके कांटे में फंसी। सुबह से शाम हो गई, यह घर ऐसे ही लौट कर आ गया। इसकी पत्नी घंटा बड़ी क्रोधित थी और उसने रात्रि में दरवाजा बंद कर दिया, सांप के काटने से ये मृत्यु हो गई। और जो मछली थी वो मछली का जीव मर करके अनंगसरा नाम की ये वेश्या बनी, जिसने उज्जैन शहर में आते समय इसके देश इसको देखते ही उसको प्रेम उमड़ आया, इस जीव ने मेरा उपकार किया है, और पत्र देख करके उसने पत्र को बदल दिया। तो जो पत्र बदलने वाली थी वेश्या वो कौन थी, मछली का जीव, जिस मछली को उसने 5 बार जीवन दान दिया था, 5 बार पानी में छोड़ा था, वही बार बार फंस रही थी। तो वही मछली मर करके क्या बनती है, अनंगसरा वेश्या बनती है, जो आखिरी उसकी चौथी बार में उसके तीसरी बार में उसके प्राणों की रक्षा करने में निमित्त बनती है, पत्र को बदल देती है। और जो इसकी पूर्व की पत्नी थी, क्या नाम था पूर्व की पत्नी का, लिखिए जल्दी से, अभी मैंने नाम बताया था। पूर्व की जो पत्नी थी उस पत्नी का क्या नाम था, आप हर दिन मंदिर में जाते हैं, क्या बजाते हैं आप, जैन मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो मंदिर में प्रवेश करते समय क्या बजाते हैं, हमारी कंचन अम्मा बोल रही है घंटा बजाते हैं, तो उसकी पत्नी का नाम था घंटा। नाम अच्छा है ना, आप लोग भी अपने घर का बच्चों का बालिकाओं का किसी का नाम रख सकते हैं, घंटा बजाते रहना, और जैसा नाम रखो वो भी घंटा टनाटन बजाती रहेगी सबको। तो घंटा नाम की स्त्री थी और वही घंटा मर करके, क्योंकि उसने क्या किया था, अपने पति की चिता जला रहे थे, उसी में वो कूद पड़ी कि जो मेरे पति का नियम था उस नियम को मैं भी स्वीकार करती हूँ, ऐसा बोलकर वह कूद गई। तो वही घंटा मर करके श्री दत्त सेठ की पुत्री बनी, जो इस भूमि में वापस उसके साथ में विवाह हो गया तो वह उसकी पत्नी बन गई। तो पूर्व भूमि में जो पत्नी थी वो इसकी पत्नी बन गई, पूर्व भूमि में जो माता पिता थे वो इसके वापस माता पिता बन गए। तो इस प्रकार जीव का अनाधिकार से संबंध चला आ रहा है। सारा पूर्व भव का समाचार सुनकर उस धन कीर्ति को वैराग्य हो गया कि कैसा यह संसार है कि मैंने पूर्व भव में एक नियम लिया था और उस नियम के फल स्वरूप मैं आज इतने बड़ पर प्रतिष्ठित श्रेष्ठी पद को प्राप्त हुआ हूँ, सेठ बना हूं उस नगर का। तो उसने सब विचार करके सब कुछ छोड़ दिया, मुनि मुनिराज के पास में उसने दीक्षा धारण कर ली, और दीक्षा धारण करके वह इतनी कठोर साधना करने लगा। उसने स्वयं दीक्षा ली और साथ में उसकी जो दोनों पत्नियां थी उन दोनों पत्नियों ने भी शिक्षा ले ली, उसके माता पिता ने ले ली, और उसके दो माता पिता ने, उसके दो तीनों माता पिता थे वो सब वहां आ गए, सबने दीक्षा ली, राजा ने दीक्षा ली, इस प्रकार अनेक लोगों ने धन कीर्ति के साथ में दीक्षा ले ली और सब दीक्षित हो गए, सब अपनी अपनी साधना में लग गए, सब अपनी तपस्या में लग गए। और त्याग तपस्या करते करते एक मछुआरे के जीव ने एक बार नियम का पालन किया, पूर्वों में नियम लिया, इस भूमि में सेठ बना और सेठ बनकर इस भूमि में मुनिराज बने, और मुनिराज बनकर धन कीर्ति मुनिराज बन गए, और मुनिराज बनकर संयम साधना करते करते संलेखना धारण की, और संलेखना धारण करके धन कीर्ति मुनिराज समाधि मरण करके अंतिम सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में इंद्रपद को प्राप्त हुए, मोक्ष नहीं गए वो इस समय, सर्वार्थ सिद्धि में अहम इंद्र बन गए। ऐसा स्वर्ग जिस स्वर्ग से जो भी आएगा वो उस भूमि अगले भूमि निश्चित रूप से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। अंतिम स्वर्ग का नाम है सर्वार्थ सिद्धि,
तो सर्वार्थ सिद्धि में वो अहमिंद्र बने और अब वहां से आकर के वो कर्म काट कर मोक्ष जाएंगे। तो एक नियम पालन करने का कितना बड़ा फल मिला उसे, कुछ भी नहीं किया था उसने पूर्व में, एक मछली का जीवन दान दिया था और जिंदगी भर तो उसने जो किया यही था अपराध, लेकिन मुनिराज के वचनों पर श्रद्धा करके जो एक दिन का नियम पालन किया, उस एक दिन के नियम ने उस मछुआरे को धन कीर्ति बना दिया, धन कीर्ति से धर्म कीर्ति और धन कीर्ति से वो महामुनिराज बने। ऐसे मुनिराज के चरणों में हम सह भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं कि उत्तम समाधि उन्होंने जैसे की वैसे हमारी भी समाधि मरण हो, संलेख ना हो, हमारा भी सुगति में गमन हो और हमेशा जिन गुण संपत्ति लास्ट है कि हम बोलते हैं ना नीच काला मंचे में पूजे में मंदामी नमस्वामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगी गणम समाहि मंडल जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, क्योंकि उनको जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति होगी निश्चित रूप में होगी। सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं वो एक अवतारी होते हैं, हमारे बहुत सारे तीर्थंकर हैं जो सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग से आए हैं, तो ऐसे अंतिम स्वर्ग में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया ऐसे धन कीर्ति मुनिराज को बारम्बार नमोस्तु। और उनके चरणों का उनकी कथा से हमें यही शिक्षा लेना है कि जैसा उन्होंने अहिंसा धर्म का पालन किया था हम भी अहिंसा को पालन करें। इसलिए आप लोग के लिए रविवार के दिन एक मौका दिया है मैंने, बहुत सारे भक्त लोग उस समय नहीं थे, आपको फिर से सूचना दे रही हूँ कि रविवार के दिन आप सबको हमारे जीवन में अहिंसा का महत्व इस विषय पर आपको अपने 2 मिनट की विचार, 2-2 मिनट की आपको तैयार करना, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो जो भी अपने बोलना चाहे कि हमारे जीवन में अहिंसा का महत्व क्या है, हमें अहिंसा पालन करना चाहिए या हिंसा के मार्ग को चुनना चाहिए और अहिंसा मार्ग हमें क्या देता है, आप जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमारे ग्रंथ में भरे पड़े हैं, तो हमारी आज ये कथा जीवन दान की पूर्ण हुई और अब अगली कथा हम फिर सुनाएंगे कल से। फिर अभी रविवार की आप लोग तैयारी कीजिए, जिनको भी अहिंसा पर बोलना है वो अपना अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपना नाम मयूरी सेठी के पास में कल 5 बजे तक पहुंचा सकते हैं। मयूरी सेठी के पास में आप पहुंचाएंगे तो आपको मौका मिलेगा, बोलने का अवसर दिया जाएगा, 2 मिनट से ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा और जो नाम देंगे उनको ही मौका मिलेगा। बाद में आप लोग हैंड राइज करेंगे, हमको बोलना है इनको बोलना है, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। आप चाहे 5 लोग बोले चाहे 10 लोग बोले, ज्यादा नाम आए, आधा घंटे का हमारा समय रहता है, 7 से 7:30 के बीच में आपकी प्रतियोगिता रहेगी, अहिंसा धर्म की प्रतियोगिता, इसके ऊपर आपको अपने विचार व्यक्त करना है। श्लोक पढ़ के मैं आपकी ये सभा भी अपने समाप्त करेंगे, पुष्प वृष्टि का श्लोक सभी अपना अपना निकाल लीजिए। वासंतिका जाति सुरेंद्र वृंदे बंधु को वृंदे रपि चंपकाद्य पुष्पे रने के तलिनिर हुताग्रे श्रीमत जिनेन्द्राग्नि युगम यजेह। वासंतिका जाति सुरेंद्र वृंदे वासंतिका जाति सुरेंद्र वृंदे बंधु वृंदे रपि चंपकाद्य श्रीमज्जिनेन्द्राग्नियुगं यजेऽहम् श्रीमज्जिनेन्द्राग्नियुगं यजेऽहम् ॐ ह्रीं तुम न सुप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि का श्लोक हुआ हमारा 29 नंबर का। अब 2-3 श्लोक इसमें बचे, हमारे 2 ही बचे हैं केवल, मंगल आरती और सुगंधित जल का, तो हम कल इसको पूरा कर देंगे और कल पंचामृत अभिषेक के पूरे श्लोक बोलेंगे एक साथ में। आप लोग जो भी बोलना चाहेंगे उन सबके एंट्राइज कराएंगे और साथ साथ में बोलते जाएंगे जिससे आप लोग को अच्छे से पढ़ना आ जाए। तो आज की पाठशाला हमारी अब समाप्त करते हैं नमोकार मंत्र के साथ में। नमो हरिहंताणम नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो अजानम नमो सुवताणम आई बोडूद हरिहंता आई बोडूद श्री सीता आई बोडूद आचार्य आई बोडूद उपाध्याय आई बोडूद नम हरिहंता नम सीता नम आचार्य नम
बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की जय। जो श्री शंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। आदर्श गुप्त नंदी जी गुरुदेव की जय। नमो सुगुरुदेव नमो सुगुरुदेव नमो सुगुरुदेव। गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान है। मयूरी गुरुदेव को स्पॉट पर ले लीजिए। नमो सुगुरुदेव नमो सुगुरुदेव। बहुत बढ़िया। सभी के लिए हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत बढ़िया क्लास का आपने लाभ लिया और अभय दान और अहिंसा पर बहुत अच्छी कथा।